वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतह। दोस्तों, तुहाडे सारयां दे सन्मुख एक बड़ी ज्यादा जरूरी मैं बेनती करन लग्या, भी जिवें कि तुसीं सब जानदे ही हो भी जो भाई अमृतपाल सिंह ने ते उन्हां दे जिहड़े जथेबंदी दे साथी ने उह कल तो गायब ने, उन्हां दे बारे किते भी कोई पुलिस स्टेशन विच किते होर कोई खबर नहीं, किसे मान्योग अदालत दे विच उन्हां नूं पेश नहीं कीता गया। ते बाकी जो पुलिस बयान दे रही है भी 78 जो लोग ने गिरफ्त दे विच आ चुके ने, भाई अमृतपाल सिंह हले भी भगौड़े ने। पर मैं एडवोकेट इमान सिंह खारा जो वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा लीगल एडवाइजर हाँ, मैनू इस ते पूर्ण तौर ते शक हुंदा भी एक बंदे दा काफला 6 गड्डियां दा होवे ते उहदे मगर 150 गड्डी दा पुलिस दा काफला होवे, हो नहीं सकदा भी उह बंदा मौके तों फरार हो जाए। बाकी नैशनल मीडिया उपर, सोशल मीडिया उपर तस्वीरां आ रही ने, फोटो आ रही ने भाई अमृतपाल सिंह नूं शाहकोट जो थाना है जलंधर जिले का उत्थे गिरफ्तार कर लिया गया सी। ते इन्हां सारियां चीजां नूं फैक्ट्स नूं मद्देनजर रखदे होए मैं बतौर एक पटिशनर, मैं मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक क्रिमिनल रिट पटिशन दर्ज कीती है जिसका नंबर है 2757 ऑफ 2023, जिसका जो नाम है इमान सिंह खारा वर्सिज स्टेट ऑफ पंजाब। इस दे विच असीं मानयोग हाई कोर्ट अगे दरखास्त बेनती कीती है भी जो भाई अमृतपाल सिंह दा राइट टू लाइफ है, जो एक फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, वह खतरे दे विच है। पंजाब सरकार ते जो सेंट्रल एजेंसियां ने भाई अमृतपाल सिंह दा फेक एनकाउंटर कर सकदियां ने, ते जां जो इह समां जो बीतदा जा रहा है उस दे विच भाई अमृतपाल सिंह दे खिलाफ जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जो केसेस ने उह बनाउण दे लई, फॉल्स एविडेंस बनाउण दे लई जो समां यूटिलाइज कीता जा सकदा। साडी जो असीं हेबियस कॉर्पस दी रिट पिटीशन है अज संडे नूं जो मानयोग हाई कोर्ट दे विच तत्काली इह दर्ज कीती सी, उस तो बाद जो मानयोग हाई कोर्ट दे जज साहब अगे जो दरखास्त है गई, उत्थे जो मेरे वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़ेंग उन्होंने बहस कीती, उत्थे पंजाब दे उन्हां दे घरे जो कैंप ऑफिस है जज साहब दा, उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने पंजाब दे ओह वी आए, 1.5 घंटा बहस चली। उस तो बाद चो जो जज साहब ने पंजाब सरकार नूं ऑर्डर कर दिता है भी भाई अमृतपाल सिंह दे रिगार्डिंग जिन्ना भी रिकॉर्ड है पुलिस कोल, जो भी केस दे बारे A to Z सारी चीज है, वह 21 तरीक नूं परसों मानयोग अदालत दे विच पेश कीती जावे। इत्थे सारियां असी मैं जिन्नियां भी संगतां सारे दोस्तां वीर भरावां नूं इह बेनती करदा भी अपना जिन्ने वकील भरा ने भी आपां आईए अगर जिन्ने सिंघां दे परचे पाए गए ने असी उन्हां सारियां दी जो कानूनी पैरवाई है अदालतां विच करिए। जो अजनाले दे विच मेरे फादर साहब एडवोकेट हरपाल सिंह खारा उन्होंने एडवोकेट परमिंदर सिंह विच अते एडवोकेट रणजोत सिंह भुल्लरों गए, उत्थे अमृतसर अदालत दे विच गल सी भी उन्हां नूं पेश करना है कुछ जथेबंदी सिंघां नूं, पर उन्हां नूं जाण बुझ के उत्थे नहीं पेश कीता गया, उन्हां नूं बाबा बकाले पेश कीता गया। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ ਆਸਾਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਰਨ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।